Hello dear, once again warm welcomes to our official YouTube channel of Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. एक बार फिर आप सभी का हमारे इस official YouTube channel पर आपका स्वागत है. And today I came here to teach you about SST Geography Chapter 1 Power Standard 8. Geography Chapter 1 Power Standard 8. And this is day 3. This is day 3. If you have not watched till now day 1, day 2, then you must have to go through the playlist, and in that you can get day 1, day 2 videos. You must have to watch them. Thereafter, if you are coming here to watch it, you can understand very well. Are you getting me? Or आप वीडियो को पूरा देखें कहीं से भी. If you are facing even the single bits of problem, यदि आपको थोड़ी सी भी problems आती है तो you must have to comment under comment box में जाएं और हमें comment करें. आपके comment का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है. आप जरूर comment करें. And if you are not getting anything well, then you can ask me a question via broadcast also. Broadcast से भी आप हमें question, व्हाट्सएप से भी क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं. ओके, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें. सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन हो उसको प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे. विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओवर हियर. आवर चैप्टर्स नेम इज रिसोर्सेस. लास्ट क्लास में बेटा we have already discussed over resources. में बेटा हमने डिस्कस किया था क्या डेज वन और डे टू में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. पहले तो रिसोर्सेज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था. किसको कहते हैं रिकॉल कर लीजिए. एनी थिंग्स या फिर ऑल द मेटेरियल्स और सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट अराउंड अस एंड फुलफिल आवर नीड्स. वो सारी चीजें जो हमारी नीड्स को फुलफिल करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, दैट इज नोन एज रिसोर्सेस. क्लियर? एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेचुरल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस. तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़े थे. जो रिसोर्सेस नेचर का दिया हुआ नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, नेचर का दिया हुआ नेचुरल रिसोर्सेस है. और यदि वहीं पर अगर एसी आपके घर में लगी हुई है, फैन लगे हुए हैं, टेलीविजन लगी हुई है, तो ह्यूमन का बनाया हुआ ह्यूमन रिसोर्सेस है. समझ में आ रही है? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे. तो बहुत सारी बातें, कुछ सारी बातें पढ़े भी थे और समथिंग वी आर रिमेनिंग, कुछ बच गया था तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते. तो हियर आई हैव रिटन ओवर हियर द यूटिलिटी ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्सेज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज की प्रॉपर्टीज कैसी होगी, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज वैल्यूएबल होगा कि नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए कितना उपयोगी है, दीज ऑल द क्वेश्चंस आर डिपेंडेड अपॉन दीज फैक्टर्स. ये इसके कुछ कारण हो सकते बेटा. फर्स्ट द फॉर्म इन विच इट अकर्स, मतलब किस रूप में वो पाया जा रहा है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैसेस में है. सॉलिड में है तो कैसी सॉलिड है, लिक्विड में है तो कैसा लिक्विड है, उसको प्यूरिफिकेशन की जरूरत है या नहीं है, इस सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. जैसे ऑयल निकाला जाता है तो एक तो सॉइल है, उस सॉइल को बाहर निकाला जाता है, बाद में उसको प्यूरिफिकेशन करने के बाद पेट्रोल बनता है, उसी का डीजल बनेगा, सीएनजी बनती है, केरोसिन होती है, देयर आफ्टर मोबिल होता है, ग्रीस होता है, ये सब उसके प्यूरिफिकेशन के बाद फॉर्मेशन होता है. तो किस रूप में मिलता है हमको, ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, उसके हिसाब से हम उस पर एक्सपेंस करते हैं. तब ये भी बात जरूरी है कि आखिर कॉस्ट कितना लगता है उसमें. अब यहाँ पहला तो निकाला
किस रूप में पाया जाता है, दूसरा उसको प्रोसेस करने में, उसको हम यूज अपने यूज तक लाने में क्या प्रोसेस क्या है, उसमें कितना कॉस्ट लगता है, अगर ज्यादा कॉस्ट लगता है प्रॉब्लम हो सकती है, कम कॉस्ट लगता है तो इजी टू अवेलेबल हो जाएगा, यूजर फ्रेंडली हो जाएगी। द प्लेस वेयर इट अकर, अब सियाचिन ग्लेशियर में कुछ मिल रहा है तो उसको लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपके घर के आसपास मिल रहा है तो आसानी से ले सकते हैं आप, क्लियर है। तो ये भी डिपेंड करता है बेटा कहां पर वो मिल रहा है, किस जगह पर मिल रहा है, अब मार्स पर कोई सामान मिल रही है तो मार्स से लाने पर प्रॉब्लम ऑब्वियसली यू कैन फेस, धरती पर किसी अनकंफर्टेबल जोन में मिल रहा है तो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। मीन्स कि वो जिस जगह पर मिल रहा है वो भी हमारे आसपास होनी चाहिए, जहां पर ह्यूमन बींग जा सके आ सके आसानी से। ओके, द एफर्ट नीडेड टू प्रोसेस इट, अच्छा ये सब जो चीज हो गया, पहला किस रूप में पाया जाएगा, दूसरा हमने कहा कि उस पर खर्च कितना हो, तीसरा हमने कहा कि कहां पाया जाएगा, और चौथा हमने फैक्टर लिखा है कि उसको अगर मिल गया है कहां कब और कैसे मिल गया है, कितना खर्च हो गया तो मिल गया है, अब जानना है कि उसको निकालेंगे कैसे, एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, एक्सट्रैक्शन आई मीन टू सी है कि उसको अपने आप यूज लाइक जो बनाएंगे उसको, जो कहीं 500 मीटर धरती के अंदर है, 1000 किलोमीटर ऊपर रॉक्स पीक पर है, तो उसको कैसे हम अपने पास ला पाएंगे, तो दैट इज द फोर्थ फैक्टर्स। इन सारे फैक्टर्स से क्या पता चलती है, फ्रॉम दीज फैक्टर्स वी कैन अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ, वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द यूटिलिटी ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्सेस, उसकी कितनी वैल्यूज होंगी हमारे मार्केट में, उसका क्या इंपॉर्टेंस रह सकता है, ह्यूमन लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इस सब बात डिपेंड करता है। आर यू गेटिंग मी, होप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो आपके वीडियो में कमेंट जरूर करें, सर दिस पॉइंट वी हैव नॉट अंडरस्टूड, आई विल रिपीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके सर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, मतलब बना जो है भी रिसोर्सेज जो बना होगा, तो दो मेन ओरिजिन है, तो दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होंगे, ओरिजिन के अकॉर्डिंग ऑल द रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मैंने लिखा है फर्स्ट वन इज बायोटिक, फर्स्ट वन इज बायोटिक, सेकेंड वन इज अबायोटिक, फर्स्ट वन इज बायोटिक, बायोटिक रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज अबायोटिक रिसोर्सेज, किसके अकॉर्डिंग बताए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। यदि आपको क्वेश्चन पूछता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, देन वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज अबायोटिक रिसोर्सेज, क्लियर बेटा। देन टूडे वी विल डिस्कस अबाउट बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक, तो सर बायोटिक रिसोर्सेस में क्या परवाह करेगा, बायोटिक में नाम से ही लग रहा हुआ बायो, बायो में क्या पढ़ेंगे, लाइफ के बारे में पढ़ेंगे बेटा, बायो मीन्स व्हाट, इफ एनीबडी आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज बायो और व्हाट डू यू मीन बाय बायो, बायो जस्ट मीन्स लाइफ, बायो जस्ट मीन्स व्हाट लाइफ, तो ऑल द लिविंग रिसोर्सेज लाइफ मीन्स लिविंग, ऑल द लिविंग रिसोर्सेस आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेस, जितने रिसोर्सेस हमारे आसपास है और अगर लिविंग है जीवित है बायोटिक रिसोर्सेस है, जैसे अनाज खाते हैं हम लोग क्रॉप्स, अभी फ्रूट्स खाएंगे, मैंगो खाते हैं, एनिमल्स का मटन लेते हैं, मीट्स खाते हैं, तो ये सब जो रिसोर्सेज है बेटा सब लिविंग थिंग्स से आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज रिसोर्सेज आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज, दैट्स व्हाई दीज रिसोर्सेज आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज, समझ में आ रहा है, क्लियर बेटा। ओके एग्जाम्पल आई हैव रिटन ओवर हियर, प्लांट्स ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल, कौन बनेगा आपका, प्लांट्स ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल, जो भी हमारे आसपास जो छोटी छोटी इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड होते हैं, एनिमल्स हैं, या फिर यदि आपका प्लांट्स है, फॉरेस्ट है, क्रॉप्स है, ये सब क्या लिविंग, और लिविंग
लेकिन से अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं। रिसोर्सेज क्या है? नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं उससे। और याद रखिए कि अपने पूरे लाइफ में एनीथिंग्स वी डज नॉट फुलफिल आवर नीड्स, कोई भी चीज है धरती पर लेकिन हमारे नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा, तो उस केसेस में क्या होगा बताओ? रिसोर्सेज नहीं होगा। ठीक, हमने फर्स्ट क्लास में बताया आपको there are many things entire the world which are not able to be utilized for the human beings, जो आज भी हमारे utilization नहीं आ पा रहा है या उतनी technology नहीं हो पाई, तो सर वो resources नहीं है। क्लियर? ओ capacity, स्पेलिंग capacity, capacity बताता capacity to produce, reproduce, जितने भी बायोटिक रिसोर्सेस है उसमें कैपेसिटी होती है रिप्रोड्यूस करने का, मतलब अपने ही जैसा रिप्रोड्यूस करने का की कैपेसिटी होता है। प्लांट के सीड से नया प्लांट बन जाता है, एनिमल से नए एनिमल का जन्म होता है, बर्थ होता है, एनिमल कुछ एग्स भी ले करते हैं तो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब बढ़ता रहता है। ठीक, इसीलिए ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग कौन सा रिसोर्सेज कहेंगे? मेन रिन्यूएबल रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स कहेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब इसको दोबारा बनाया जा सकता है। मनुष्य के जैसा नया मनुष्य जन्म लेता है, जानवर के जैसे नया बर्थ होता है, कुछ अंडे देते हैं, प्लांट के जैसे दूसरे प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसके सीड से हो उनके ब्रांचेस से हो लेकिन ग्रो करते हैं। तो सर दीज आर रिन्यू होता है, दोबारा फॉर्म हो सकता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। That's why these are known as renewable sources. That's why these are known as renewable sources. जो दोबारा बनने के योग्य हो, री दोबारा, न्यू मतलब नया, एबल के योग्य हो, दोबारा नया बनने के योग्य हो, दोबारा फॉर्म होने के योग्य हो, that is known as renewable resources. Clear? It provides environmental condition. हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन को भी चेंजेस करता रहता है। अभी आप ही देखिए गर्मी है तो पंखा चला देते हैं, हम अपने हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कुछ खानी कर लेते हैं और उसको अपने हिसाब से यूज करते हैं। इट मीन्स दैट बायोटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल कंडीशन, हमारे जो कंडीशन है या वाटर साइकिल हो, लाइफ साइकिल हो, इस सब कंडीशन को कौन प्रोवाइड करता है? बायोटिक रिसोर्सेज। विच रिसोर्सेज? बायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक में बायो होता मतलब लिविंग थिंग, अबायोटिक में ना लिविंग होगी, आई एग्री में बायोटिक में लिविंग थिंग, तो अबायोटिक में क्या होने वाला बेटा? नॉन लिविंग होने वाला है, समझ में आ रही है? बायोटिक में क्या होगा? लिविंग थिंग। अबायोटिक में क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। बहुत धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, होप यू आर गेटिंग, आशा है आप समझ पा रहे हैं, और फिर भी आपको समझने में कहीं से भी कोई एरर रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके आंसर दूंगा। अबायोटिक मींस ऑल द फिजिकल और नॉन लिविंग रिसोर्सेस, ऑल द फिजिकल और नॉन लिविंग रिसोर्सेस आर कॉल्ड व्हाट? अबायोटिक रिसोर्सेस। व्हाट? अबायोटिक रिसोर्सेस, समझ में आ रही है? जैसे पानी नॉन लिविंग है लेकिन हम तो यूज कर रहे हैं, हमारे यूज के लायक तो है बेटा, दैट्स व्हाई दीज आर अबायोटिक। हवा नॉन लिविंग है लेकिन यूटिलाइजेशन तो हम कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं, तो कौन सा रिसोर्स है बेटा? अबायोटिक हो। क्लियर है? जैसे जमीन, जिस लैंड पर आप रह रहे हैं है तो नॉन लिविंग लेकिन आप यूज तो कर रहे हैं, आपके यूज के में तो आ रहा है, दैट इज नॉन एज रिसोर्सेज, लेकिन नॉन लिविंग है, दैट्स व्हाई अबायोटिक रिसोर्सेस। अब सर जितनी तेजी से अगर ज्यादा यूज हो गया, जैसे कोल ही ले लीजिए, कोल बहुत ज्यादा अगर यूज हो गया तो क्या होगा? एक दिन समाप्त हो जाएगी। पेट्रोलियम अगर एक्सेसिव यूज हो जाएगी तो क्या होगा? एक दिन समाप्त हो जाएगी। मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ अबायोटिक सब्सटेंस जो है वो एग्जॉस्ट कर जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? समाप्त हो जाएगा, और समाप्त हो जाएगी फिर दोबारा उसको फॉर्मेशन में हजारों करोड़ों वर्ष लग सकता है, तब तक तो प्रॉब्लम होगी।
Is it clear? That's why it is known as non-renewable resources. Non-renewable resources. हमने यहाँ लिखा होता इट कैन एग्जॉस्ट, लेकिन कैसे एग्जॉस्ट होगा? क्योंकि हम उसको बना तो नहीं सकते, नेचर का दिया बटन है। आर यू गेटिंग मी? अगर एक्सेसिव यूज करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूज करते रहेंगे, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन दोबारा फॉर्मेशन होने में तो करोड़ों वर्ष लग जाएगा, तब तक तो पता चला सारा चीज एडजस्ट कर जाएगा, समाप्त कर जाएगा। दैट्स वाई इट इज नॉन एस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दैट्स वाई इट इज नॉन एस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। होप यू आर गेटिंग, आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे। Although, till now if you are facing even the single bits of problem, you must have to comment under comment box. आप सारे का स्क्रीनशॉट लेकर ले ओके स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका नोट्स जरूर बना लें, ताकि क्लास में सारे नोट्स चेक होंगे आपके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। अभी चैप्टर यही रहेगी, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर रहें, पढ़ते रहें।